गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे मनुष्यता कविता की क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये है मनुष्यता कविता और इसके कवि हैं मैथिली चरण गुप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका आंसर होगा, कवि ने ऐसे लोगों की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो खुद से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसका आंसर होगा, उदार व्यक्ति की पहचान उसकी परोपकारिता, अपने से पहले दूसरों की चिंता करना और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देने जैसे गुणों को देखकर की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? इसका आंसर होगा, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। मानवता की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की अस्थियां दान कर दी, कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। कवि इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाना चाहता है कि हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इसके मोह को त्याग कर सदैव परोपकार करना चाहिए। इसमें है गलती से आ गया है नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? इसका आंसर होगा, कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। और वे पंक्तियां हैं, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात तन आपको करो न गर्व चित्त में। तो ये है चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, मनुष्य मात्र बंधु है अर्थात हम सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, अतः हम सब भाई बंधु हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भेद दिखाई भी देते हैं तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है और भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इसका आंसर होगा, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े। कहा जाता है कि एकता में ही बल होता है, जिससे हम हमारे जीवन में आने वाले किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर लिखिए। इसका आंसर होगा, व्यक्ति को परोपकार करते हुए, सभी को बंधु मानते हुए तथा दूसरों की भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हुए सरलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका आंसर होगा, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। मनुष्य को बिना किसी निजी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी वे लोगों के दिलों में अमर हो जाए। ऐसा करने से ही हम वास्तव में मनुष्य बन सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका आंसर होगा, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए, फिर भी पूरे समाज ने उनका सम्मान किया। उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है,
रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य को कभी भी तुच्छ धन के नशे यानी प्रभाव में आकर अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात धन के आ जाने इस पर मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी त्रिलोकनाथ के होते हुए अनाथ नहीं है, वे सभी की सहायता हेतु सदैव तैयार रहते हैं। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर। अगला और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इसका आंसर होगा, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए, रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को उन्हें हटाते चले जाना चाहिए, मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों के साथ साथ स्वयं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा। तो ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि दूसरों के, यहाँ के छूट गया है, दूसरों के साथ साथ स्वयं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, सब समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।